चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक 403 प्रकरण दर्ज। चिटफंड कंपनियों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ इन कंपनियों से धोखाधड़ी के शिकार लोगों को धन वापसी की प्रक्रिया शुरू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड कंपनी के ठगे निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो हमें बहुत लेटेस्ट न्यूज़ मिली है, जो छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए राहत पहुंचाने वाली ये न्यूज़ है। चिटफंड कंपनियों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ इन कंपनियों से धोखाधड़ी के शिकार लोगों की धन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के अधिनियम वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 403 प्रकरणों में दर्ज कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में 2,80,000 रुपये की राशि वापस कर दी गई है। बाद में मुख्यमंत्री बघेल सरकार ने चिटफंड कंपनियों के प्रबंधकों और संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने और इन कंपनियों के एजेंटों पर अभिकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित आज कैबिनेट की बैठक में अनियमित वित्तीय चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को दर्ज प्रकरणों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 2015 से अक्टूबर 2019 तक दर्ज किए गए प्रकरणों में छत्तीसगढ़ के निष्पक्षों के हितों में संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2005 के तहत 248 इनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत 95 और भारतीय दंड अधिनियम धारा तहत 90 प्रकरण शामिल है। दर्ज किए गए प्रकरणों में डायरेक्टर के विरुद्ध 379, पदाधिकारियों के विरुद्ध 148 प्रकरण शामिल हैं। इन धन वापसी की प्रक्रिया में कुल 144 प्रकरणों में संपत्तियां का चिन्हांक किया गया है तथा इन प्रकरणों की कुर्की की जा रही है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।